दोस्तों, हम सभी जानते हैं पुराने समय में कैमरे नहीं थे और न ही ऐसी कोई सुविधा थी जिससे हम अपनी पुरानी तस्वीर, अपनी यादों को संजोकर रख सके। फिर भी धीरे धीरे विकास की प्रगति में जैसे ही हम लोग चलने लगे वैसे ही कैमरे का विकास हुआ। और बता दूं कि उस समय कैमरे का इतना बड़ा हुआ करता था जहाँ फोटो खिंचाने के लिए कई घंटे कैमरे के सामने खड़ा रहना पड़ता था। फिर भी आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, सैंडल में अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैंडल पहने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हो। उस समय केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही फुटेज आता था। नंबर टू, व्लादिमीर पुनित, जो कि अभी 19 साल के नजर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुनित 19 साल के उम्र में कुछ ऐसे दिखते थे। नंबर थ्री, सर विस्टन चर्चिल, अंग्रेजी सूट में वे नजर आ रहे हैं, सर विस्टन चर्चिल। नंबर फोर, एफिल टावर। दुनिया में एफिल टावर की खूबसूरती को देखना तो सब चाहते हैं और हम में से कईयों ने देखे भी हैं, पर जब इसका निर्माण हो रहा था उस समय उनकी कैमरे से ली गई कुछ ऐसी तस्वीरें थी। नंबर फाइव, इंदिरा गांधी। छोटी उम्र में इंदिरा गांधी कुछ ऐसी ही दिखती थी। नंबर सिक्स, पहली बार पेंगुइन देखकर खुश हुई लड़की की तस्वीर। इस फोटो में एक छोटी सी लड़की पेंगुइन को देखकर खुश नजर आ रही है। नंबर सेवन, स्टीफन हॉकिंग, जो कि अपनी पत्नी के साथ। इस तस्वीर में स्टीफन हॉकिंग अपनी शादी के समय एक सूट में अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। नंबर एट, 3.56 MB हार्ड डिस्क। आप जिस फोटो को देख रहे हैं वह 3.56 MB का हार्ड डिस्क है। आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, अरे भाई ये कैसा हार्ड डिस्क है। तो बता दूं उस समय इतनी बड़ी ही हुआ करता था और वैसे कंप्यूटर का साइज भी बहुत ही बड़ा हुआ करता था। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं जिसका हार्ड डिस्क इतना है तो कंप्यूटर का साइज कितना रहा होगा। फिर धीरे धीरे प्रगति के दौरान छोटे रूप में दर्शाया गया। नंबर नाइन, बहादुर शाह जफर, जो कि अपने बेटे के साथ कुछ ऐसे नजर आते थे। नंबर टेन, टाइटेनिक की आखिरी तस्वीर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टाइटेनिक एक समुद्री जहाज है जो कि समुद्र में डूब गई थी। उनकी आखिरी बार तस्वीर ली गई थी जो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अजीब तस्वीरें। आपको देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।